अनुजी हमारे पहले 5 साल सभी ने मिलकर एक आह्वान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो 45 वर्ष से ऊपर है उनको वैक्सीन लगे। और मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि आज उदयपुर शहर के अंदर, राजस्थान के अंदर हमारा बहुत अच्छे स्थान पर, द्वितीय स्थान पर नाम आ गया है और बहुत शीघ्र शायद हो सकता है कि प्रथम स्थान पर वैक्सीन के बारे में यह जन आंदोलन बन चुका है। कार्यक्रम शुभारंभ करने से पूर्व हमारे मंच पर विराजमान राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष, हमारे सबके परम आदरणीय लाडले विधायक गुलाब चंद जी साहब कटारिया आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अतिथि, हमारे ग्रामीण के विधायक आदरणीय भूलचंद जी साहब मीणा, हम सबके लाडले विधायक, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए जिस उत्साह के साथ में आदरणीय जिलाधीश महोदय कार्य कर रहे हैं, वाकई में यह एक सराहनीय काम है। और हर जगह सबको व्यक्तिगत बुलाकर उनको निवेदन करना, उनको आग्रह करना और उनको मोटिवेट करने का काम हमारे आदरणीय खेतराम साहब देवड़ा जो जिलाधीश महोदय वो कर रहे हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में बधाई, उनका हार्दिक स्वागत। हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय रविंद्र जी सिमाली साहब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला के अध्यक्ष हैं, नगर विकास न्यास के अध्यक्ष हैं, नगर अभिनंदन। हमारे विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय फतेहलाल जी साहब जैन जो मंच पर विराजमान है, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय कुंती जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वह भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय पुतला जी साहब जैन, हम कॉलोनी और शिवाजी नगर, इन सब के महानुभावों के साथ साथ जो आम जन है उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि वह निश्चित रूप से पधारें। 2 दिवसीय कार्यक्रम 4 तारीख और 5 तारीख को इस प्रांगण के अंदर और 6 तारीख को और 7 तारीख को हमारे अग्रसेन नगर के अंदर यह कार्यक्रम विधिवत रूप से 4 दिवसीय कार्यक्रम एक तरह से हो गया है, वहां पर चलेगा। वहां पर हमारे भाई राजेश जी अग्रवाल, वात्सल्य सेवा समिति और अग्रवाल समाज के बंधुओं ने वो कार्यक्रम किया है। और यह सारा महावीर जयंती समारोह समिति, विकास समिति और महिला प्रकोष्ठ की ओर से और मेहता जी की वाणी और मोगरा वाणी सभी महानुभावों की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मन पर करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ श्रीमान फतेहलाली साहब से, मैं निवेदन करता हूँ फतेहलाली साहब से वह उपनावा का भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अक्षय जी जैसे भी अनुरोध करता हूँ बना रहे हो स्वागत का स्वागत करें। हमारे कार्यक्रम के अतिथि भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिमाली साहब के स्वागत के लिए ऐसे निवेदन जी वैभव जी भंडारी, मान सिंह जी साहब आता उनसे भी अनुरोध करता हूँ बना रहे
हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय अनिल जी सिंगल साहब हमारे बीच विराजमान है, हमारे क्षेत्र के पूर्व पार्षद भी रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीपाल जी साहब जैन, आदरणीय चांदना जी साहब कावड़िया जो हमारे मोगरावाड़ी विकास समिति के अध्यक्ष है, संजय जी जारोली और कमल जी गदिया से अनुरोध करता हूँ वो बता रहे और स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय अनिल जी सिंगल साहब का। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय कुंतला जी साहब जैन, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और इस क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं, आदरणीय कुंतला जी जैन साहब के स्वागत के लिए अभिनंदन कर रहा हूँ। वाइस किंग सुरेंद्र जी जैन, राकेश जी कावड़िया और हमारे बीच हम जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम कर रहे हैं पार्टी की दृष्टि से हमारा ये अभिनंदन वो बता रहे हैं, सुशील जी जैन का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें, उपनवड़ा का स्वागत करें, उपनवड़ा का स्वागत। क्योंकि सवेरे टाइम से वैक्सीन लगाने वाले बता गए थे अपन कार्यक्रम को लंबा नहीं खींचेंगे, स्वागत उद्बोधन के पश्चात मैं हमारे सीएमएचओ साहब विराजमान है, दिनेश जी मेरे साहब से निवेदन करता हूँ कि वह दो शब्द कहें आदरणीय दिनेश जी। समाज के सारे प्रबुद्ध नागरिक, मेरी तरफ से जीवन शर्मा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो समाज में सारी पहल की है और ये जो उदयपुर मॉडल हमारा फेमस हो रहा है, सारे समाज के लोग उदयपुर में आगे आ रहे हैं और जहां हमारा 3 दिन के लिए पूरे जिले का वैक्सीनेशन 8,000 हो रहा था और हम आज 20,000 से ऊपर पहुँच चुके हैं, ये मॉडल लगातार जारी है। कलेक्टर साहब अच्छे प्रयास कर रहे हैं और हमने हमारी टीम कंपनी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हॉस्पिटल से बुला दिए हैं, हमारी तरफ से कहीं वैक्सीनेशन और कहीं टीम की कमी नहीं आने दी जाएगी। वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है, आप सब देख रहे हो सारे देशों में पूरे विश्व में अभी कोरोना फैल रहा है वापिस, हमने बीच में सोच लिया था कि इतना सारा फैल चुका कहीं कहीं हर इम्यूनिटी आ गई होगी और लेकिन ये हमारा अंदाज गलत था, सेकंड वेव आ चुकी है और अभी हमारे वैल्यू 100 से ऊपर केसेज निकल रहे हैं, हमको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी, हमको पेड़ का हिस्सा नहीं करना होगा और मास्क तो बहुत ही रामबाण है, मास्क तो लगाना ही लगाना है क्योंकि कोरोना है नाक और मुंह से घुसता है, कान और नाक से भी जा सकता है लेकिन उसके चांसेस कम है। हम वैक्सीन लगाना इसलिए जरूरी है, एक बार वैक्सीन लग गई दो रोज लग गई शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो जो आपके किसी कोरोना पॉजिटिव के पास जाते हो 100% इन्फेक्शन के चांस थे वो 100% चांस 10-12% तक रह जाता है,
अव्वल तो आपको इन्फेक्शन होगा नहीं, अगर हो भी गया तो हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हल्का बुखार होके ही खत्म हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी और डेथ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हमको बड़े लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपसे और आग्रह निवेदन करूंगा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा लें और साथ ही दो डोज लगते हैं फिर भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग पालना तो करनी है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण 100% खत्म नहीं हुए, 10-12% तो रहते ही है। जी का बहुत बहुत आभार और वाकई में जितनी तारीफ करो उतनी कम है। पूरे कोविड के अंदर दिनेश जी और दिनेश जी की खराड़ी साहब की पूरी टीम ने जिस मेहनत के साथ में काम किया वाकई में बहुत ही तारीफ के काबिल है, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ क्योंकि भाई साहब को आगे कार्यक्रम में बढ़ाना है, मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय फूल सिंह साहब मीणा जो हमारे इस क्षेत्र के अंदर यह क्षेत्र उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है, आदरणीय फूल सिंह साहब मीणा से अनुरोध करता हूँ कि वह भारत माता की जय। आज हमारे इस कोरोना में जो जितना उदयपुर में जो देर प्रसार रखा है उसका आपने जो साल भर से ऊपर हो गया आपने सबने संघर्ष किया और गत वर्ष जो आपने संघर्ष किया उसका मुकाबला किया चाहे आटा दाल चीनी से लेकर और अनेक तरह की सुविधा आपने भोजन के पेट तक वहां पर पहुंचाने का प्रयास किया। इस मंडल ने जो जितना काम किया वो शायद दूसरे मंडल में इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी अध्यक्ष है और यहाँ पर हमारे गृह मंत्री रहे हुए पूर्व और नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ के हैं और सभी उद्योगपति भी यहाँ पर है, किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। जिला कलेक्टर महोदय को बताना चाहता हूँ कि गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व इस कोरोना से संघर्ष करने के लिए इस मंडल के चाहे कोई भी हमारा पारसी हो, हमारे उपमा कौर जी हो, चाहे हमारे दीपक जी कोलिया हो, चाहे हमारे अजय जी जैन हो, चाहे हमारे इस कोलानी सर्व ऋतु विलास के सभी यहाँ के नागरिक बंधु और यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने सक्रिय थे जो इस कोरोना काल को बखूबी मतलब से संघर्ष करने के लिए महिला हो चाहे हमारा युवा साथी हो चाहे बुजुर्ग हो सिंगल साहब और हमारे जिला के रविंद्र जी भाई साहब जो वास्तव में ये भी मतलब बैठे बैठे भी अपना मतलब इस कोरोना काल में पूरी टीम का नेतृत्व करते थे। साथ ही हमारे कुंतीलाल जी जैन साहब सम्मानित मंच हमारे सुशील जी जैन साहब मेरे सहयोगी पार्षद चौकड़ा जी भाई साहब भी बना रहे हो उनके स्वागत के लिए मैं भूपेंद्र जी देवड़ा से अनुरोध करता हूँ बना रहे भूपेंद्र जी भाई साहब का बड़ा उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं क्योंकि मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ जिलाधीश महोदय आपसे कि इस कोविड के अंदर कटारिया साहब ने जयपुर रहते हुए भी और उदयपुर रहते हुए भी जिस तरह से चाहे वो जयपुर रहे हो चाहे वो उदयपुर रहे हो पल पल पर इस मतलब आज व्यक्ति 75 साल की उम्र में निकलते ही नहीं घर से बाहर लेकिन भाई साहब ने प्रत्येक व्यक्ति की चिंता की यह हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का मैं फिर तो 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। कॉर्डलेस देना दोस्तों ये वो चालू है माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब मान्य विधायक उदयपुर ग्रामीण पूर्ण सिंह जी मीणा साहब समाज के अध्यक्ष फतेहराम जी जैन साहब डिप्टी मेयर पारसी रविंद्र श्रीमाली जी अध्यक्ष शहर अनिल जी सिंगल साहब कुंतीलाल जी जैन साहब सी एम एच ओ दिनेश कराड़ी जी पंचा सिंह हमारे अतिथिगण और सारे समाज के बंधु और माताओं बहन एक बहुत बड़ी बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब कटारिया साहब जयपुर में थे और सब लोगों के टीके विधानसभा में लग रहे थे मैंने फोन कर आग्रह किया था कि आप टीका उदयपुर में ही लगाएंगे। मेरे इस निवेदन को आपने मंजूर किया आप उदयपुर बना रहे और यहाँ आरएनटी मेडिकल कॉलेज में टीका लगाया इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा मकसद ये था कि
बड़े लोगों के टीके अगर लगेंगे और उदयपुर में लगेंगे तो आम जन में एक मैसेज जाएगा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इसको हम सबको लगाना चाहिए। और मैं थोड़ा सफल रहा हूँ, इसका परिणाम यह है कि हम 31 तारीख को हमारा 8,000 टीकाकरण हुआ था और आज 30,000 से ऊपर टीका आने का लगा है और पूरे स्टेट में रैंकिंग में भी हमारी पोजिशन बहुत सुधरी है। और उदयपुर मॉडल नाम की एक चीज़ निकल के आई है, मुझे सारे कलेक्टर फोन करके पूछते हैं कि उदयपुर मॉडल क्या है। मैंने कहा जनता का जनता के लिए जनता का आंदोलन, ये है उदयपुर मॉडल। जनता खुद आ रही है, वो कह रहे हैं हम टीकाकरण साइट बनाएंगे, हम अपना भवन देंगे, हमारे कार्यकर्ता देंगे, हम लोगों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, टीकाकरण की साइट पर लाएंगे, आप हमें मेडिकल टीम और टीके उपलब्ध करा दें। और ये मॉडल इतना पॉपुलर हो गया है कि बाकी जिलों में भी कलेक्टर्स इसको लागू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ जिलों ने चालू भी किया है। तो ये उदयपुर मॉडल जो सक्सेसफुल निकल के आया है, ये सब आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का सहयोग है। मैं चाहूँगा कि हम खुद अपने लिए एक जोरदार ताली इसके लिए। मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा, कोरोना गया नहीं, इसका सबूत यह है कि ESI कल पूरा भर गया। जो ESI हॉस्पिटल बिल्कुल खाली था वो कल पूरा भर गया है और 50 से ज़्यादा लोग वेंटिलेटर पर हैं। हमें इसकी गंभीरता को समझना होगा। अब हम दूसरी जगह तलाश रहे हैं कि मरीजों को हम कहाँ रखें। अभी मैं बात कर रहा था नेता मित्र महोदय से, तो उन्होंने कहा समाज के जितने भवन हैं आप उनको देख लें, उनको परीक्षण कर लें और अगर वो उपयुक्त हों तो उनको हॉस्पिटल बनाएं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, ये हमारी जागरूकता रहे कि ये जो मरीजों की संख्या है कम हो, संक्रमण पर नियंत्रण हो। और इसके बचाव के दो ही तरीके, पहला ये मास्क कभी नहीं हटे, ये कभी नहीं हटे, और दूसरा जिनको टीका लगना है उन सबको टीका लग जाए। मैं थोड़े दिन पहले सर उदयपुर जयपुर गया था, मैंने देखा वहाँ 30-20% लोग ये मास्क लगाए हुए थे। उदयपुर में 80-85% लोग मास्क लगाए हुए थे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं उदयपुर में हूँ, मैं ये हकीकत बयां कर रहा हूँ। पर चूँकि ये टूरिस्ट सिटी है, बाहर से लोग आते रहते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, इसलिए संक्रमण फैल रहा है। बचाव यही है कि हम इसको बिल्कुल लगाए रखें, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें और जो टीका है, जितने भी लोग हैं, जो एक अभियान और मुहिम उदयपुर में चल पड़ी है, इसको हम लगातार बरकरार रखें। ये 4 दिन का प्रोग्राम ही है, 3 या तो जैन धर्म में 3 या 5, इन चीज़ों का बहुत महत्व है। मैंने चूंकि जैन धर्म में विशारद किया हुआ है, मुझे सौभाग्य हुआ कि मैंने पूरे जैन दर्शन को पढ़ा है, तो या तो इसको 5 दिन कर लीजिए, 2 दिन पढ़ा के इसको 5 दिन करिएगा, ठीक है, इसको बढ़ा लीजिए 5 दिन में। इसका आप अनवरत जारी रखिए, जगह बदलते रहिए, ये साइट जो है वो चलती रहे। मैं एक बार पुनः पूरे मन से उदयपुर की इस जनता का शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इसको एक जन आंदोलन बनाया और हमने हमारे बचाव की जो मुहिम चालू करी है, हम इसमें कामयाब होंगे। कि जीती हुई जंग को हम जीते रहेंगे, इसी विश्वास के साथ जय भारत जय हिंद। कलेक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। और आगे में जहाँ कहीं भी कभी भी फोन किया होगा किसी काम के लिए, कलेक्टर साहब पूरी मुस्तैदी के साथ में अपना कर्तव्य निर्वहन भी कर रहे हैं और जहाँ पर जो बुला रहे हैं वहाँ पर भी जाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय जिलाधीश महोदय का। मैं अब कार्यक्रम के समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि टीका लगाने वाले हमारे बंधु बहन यहाँ पर विराजमान है। मैं गुलाब जी साहब के उद्बोधन के पहले हमारे शांतिलाल जी साहब जैन, जो आज यहाँ पर पूरे मंदिर का काम देखते हैं भोजन साहब, उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय खडेरा साहब से निवेदन करता हूँ। शांति किसी भी काम के लिए कभी भी कोई भी काम हुआ कभी मना के रिश्ते नहीं बनेंगे, ये बहुत ही बढ़िया बात है हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत आभार। बहुत मेहनत है साहब, जिंदगी लगा दी। अब मैं बिगर भूमिका के आदरणीय प्रधान साहब से निवेदन करता हूँ कि वह आशीर्वाद करो बहुत आदरणीय। इन लोगों ने दिन और रात मेहनत करके इस उदयपुर को सुरक्षित रखा और दूसरा और जी फतेहलाल जी को और आप सब कि आपने इसका आयोजन अपने इस मंदिर प्रांगण में पुण्य काम को
जो आपने आशीर्वाद दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं एक बात कह सकता हूँ कि बीमारी कितनी भी खतरनाक हो पर बीमारी का इलाज है। अब देश के वैज्ञानिकों का बड़ा अपन सब शुक्रगुजार हैं, हिंदुस्तान के लोगों ने दो वैक्सीन तैयार कर दी जिसके कारण से आज आप और मैं थोड़ा सा विश्वास है मन में। पहले तो अपन इतने घबरा गए थे कि क्या करें और क्या नहीं करें, लेकिन आज कम से कम मन का थोड़ा सा विश्वास है कि नहीं कुछ है। तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ बुलाकर आज इस कार्यक्रम को किया, मैं समाज के सब बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शहर की जनता की ओर से भी करता हूँ। जो आपका और परीक्षा ऐसा कह रहे थे कि वास्तव में उदयपुर का सौभाग्य है कि हर प्रकार के समाज में अपने अपने प्रयास से अपने अपने धार्मिक स्थानों पर नित्य 10-15 जगह आयोजन हो रहे हैं इसी प्रकार की वैक्सीन, तो वो सब अभिनंदन के योग्य हैं जिन समाजों ने इस बारे में व्यवस्था की और प्रकार का वातावरण बनाया। अपन बहुत तेजी से अभी 12वें नंबर पर है, तो 4-5 दिन में अपन नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाकी सब जगह तो अस्पताल और PHC और PHC में इंजेक्शन लग रहे हैं, यहाँ सब जगह लग रहे हैं। तो ये जो सबका योगदान हो गया ना, उसके कारण से विश्वास भी पैदा किया, लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ाई और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का भी काम आपने सबने किया। सदमे में अधिक और कुछ बात नहीं, मैं सोचता हूँ कि भारत जी को आज इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम कर दिया, वास्तव में आज तो सबसे बड़ा यहाँ समाज का सम्मान होना समाज के और कर्तव्य सब जिन्होंने इस जगह पर इसका उपयोग किया। खतरा जी बाबू जी आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और ऐसे ही बाकी समाज के बंधु भी अपने अपने धार्मिक स्थानों पर इस पुण्य के काम में आगे बढ़ करके इसको आगे सफल करने का प्रयास करें ताकि अपना शहर भी सुरक्षित हो और अपन सब सुरक्षित हो। मैंने कलेक्टर साहब से बैठे बैठे बात की, अगर आपको लगता है कि कई वार्ड की जगह कम पड़ रही है कुछ हो रहा है, तो हम अपने समाज के लोगों को भी इन्वॉल्व करके आपके 100-200 खाट लगाने तो भी लगा सकते हैं, व्यवस्था करनी तो भी कर सकते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी तो भी कर देंगे, और कोई भी व्यक्ति भर्ती होने से वंचित नहीं है। विशेष करके सरकार ने जो फ्री मेडिसिन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, शहर गरीब है, अधिकांश लोगों को शहर की सरकारी सुविधाओं से जोड़ो, प्राइवेट में जाते समय तो जाते हैं लेकिन जब हिसाब करके निकलते हैं तो आंखों में से आंसू टपकते हैं, वो दर्द उन्हें महसूस नहीं। जो सक्षम है वो जाए उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके पास क्षमता नहीं है उसको जगह नहीं इसलिए मजबूरी में जाना पड़ रहा, वो स्थिति नहीं आए उसके लिए आप हमें बताएं, जो जो चाहोगे आप वो सारी सुविधाएं हम आपको उपलब्ध कराएंगे, केवल आपको मेडिकल व्यवस्था आपको करनी है, बाकी साधनों की व्यवस्था हम जनता की तरफ से आपको करके दे सकते हैं। ये काम हमारा उदयपुर की नगरी किसी को भी ये नहीं है जो भर्ती होना चाहता है कि नहीं जगह खाली नहीं है, वो आवाज़ अगर आई तो हड़कंप बच जाएगी। और अब तो आपको मुझको भी बहुत संभल करके चलना, जिस गति से ये आया है और जिस गति से आगे जा रहा है इसको रोकने के लिए वैक्सीन ही काम कर सकती है। इसके कारण से हो भी जाएगा तो भी आप सुरक्षित होंगे, कम से कम आप मौत के मुंह में नहीं जाओगे, ये गारंटी तो इस वैक्सीन में है। अगर किसी कारण से हो भी गया तो हल्का फुल्का होके निकल जाए, लेकिन वैक्सीन समय पर लग जाए इतना आप सब लोग मदद करें। इतना कहकर के आप सब जो पधारे जिनका वैक्सीन यहाँ लगना है उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। समाज के लोगों का विशेष करके इस धार्मिक स्थानों का इसकी व्यवस्था करने वाले बाबूजी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस जगह पर इस काम को कराया, इस पर सफलता हमको जरूर देगा, ये मेरा पक्का है। मैं जानता हूँ मैं यहाँ जो बोलूँ सर को निवेदन करना चाहूँगा आज इस मौके पर, एक मई से एक योजना चालू हो रही है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो लाभार्थी हैं और जो
सामाजिक आर्थिक जनगणना जो पिछड़े लागत में 2 जनों को ही फायदा मिलता था, इन 2 जनों को 5 लाख का फायदा मिलता था किसी भी हॉस्पिटल में जाने पर प्राइवेट में जो पंजीकृत है। लेकिन अब सरकार ने किया है, जो संविदा पे नौकरी कर रहे हैं, जिनको ऑफिस से कम तनख्वाह मिलती है, और जो लघु और सीमांत कृषक हैं, इनको भी इस कैटेगरी में जोड़ा है। और सबसे अच्छी बात है, अन्य सभी लोग जो सरकार की किसी भी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, आदि प्रीमियम 1700 की 850 रुपये अगर जमा करते हैं साल में एक बार ई मित्र पे, तो उसको भी 5 लाख का कैशलेस इलाज है किसी प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कहीं भी। साधारण बीमारी में 50,000 और गंभीर बीमारी पे 4.5 लाख। तो आप में से भी कोई सरकारी योजना का फायदा नहीं ले रहे हो बीमा का, स्वास्थ्य बीमा का, उसमें 850 रुपये जमा करने के बाद एक बार, एक साल में एक बार जमा करने हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका भी अपन लाभ ले सकते हैं। और सरकार जैसे कि मंशा है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शहर के जो भी गरीब है इनको फ्री इलाज मिले और जो उनपे वित्तीय भार न बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे